हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। जी हाँ दोस्त, हमारे सभी दिव्यांग साथी के लिए, हमारे सभी विकलांग भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी आ रही है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। आप लोग को मालूम है कि फूड मतलब भोजन होता है, तो इसमें जैसे भोजन के आधार पे बहुत सारी निरीक्षण होता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती है, उसी में जॉब का वैकेंसी आया है और इसमें बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। हम इसमें आप लोगों को बताएंगे कि दिव्यांगों के लिए कितना इसमें सीट है और उनको फॉर्म भरने में कितने पैसे लगेंगे, या फिर छूट मिलेगी, या फिर उनके लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसका लास्ट डेट क्या है। तो आप लोग इत्मीनान से देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एफसीआई का यहाँ पे कितना लिख रहा है कि 20 जॉब इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट। इसमें इतना वैकेंसी दिया गया है, 20 बता रहा है वैकेंसी, लेकिन इसमें अभी आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी क्या है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एफसीआई रिक्वायरमेंट 2019 यहाँ पे डिटेल, ये डिटेल रहा और ये रिक्रूटमेंट का डिटेल्स रहा। ओके, तो यहाँ पे जो जॉब का रोल है वो मैनेजर का है, आपको मैनेजर का जॉब मिलेगा। एजुकेशन जो है, एनी ग्रेजुएट CA, ICWA, BSc, BTech भी, या फिर एनी ग्रेजुएट कोई भी होना चाहिए, या फिर अगर आप MA भी किए हैं तो चलेगा। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 303 वैकेंसी है, 303 वैकेंसी में से आपको 4% विकलांगों के लिए है आरक्षण के रूप में। ओके, इसमें जॉब जो लोकेशन है अक्रॉस ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया में। ओके, इसमें जो एज लिमिट है मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए, और इसमें जो एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर भी तो कोई बात नहीं है, अगर आप किए भी हैं तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो आपका सैलरी है 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये तक पर मंथ है। वैकेंसी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात यह है कि इसमें बहुत ही हेवी और बहुत ही अच्छा सैलरी का जो मोड है, पेमेंट मोड है, ये ज़बरदस्त है। ओके, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है। अब इसमें जो इसका फॉर्म का लास्ट डेट है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने का 27 अक्टूबर तक है। आप लोग अपने बारे में या फिर अपने आप को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं इसमें। चलिए अब जो क्वालिफिकेशन, जैसे कि हमने बीए, बीटेक या फिर एमए बहुत ही बीएससी बताया था हमने, तो वो तो रहा, लेकिन इसमें और भी स्पेशल क्या है अभी आप लोगों को हम दिखा देते हैं। ओके, इसमें आपको टेक्निकल से सिविल होना चाहिए, टेक्निकल भी हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। ओके, तो ये सब आप लोगों के लिए, अगर जो लोग बीटेक किए हैं तो ये इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर सिविल हो, उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी इसमें मतलब सॉल्यूशन मतलब इसमें सेट है और सीट इसमें अवेलेबल है। ओके, तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लिख रहा है मैनेजर जनरल ए ग्रेजुएट डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% और CA, ICWA, CSC। इसमें लिख रहा है कि आप जहाँ से भी बीटेक किए हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप डिग्री लिए हैं तो उसका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए आपका फर्स्ट डिवीज़न मतलब 60% से अबव होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें बता रहा है फिर बी नंबर में, यहाँ बी नंबर बता रहा है कि मैनेजर रिपोर्ट, यहाँ पर बता रहा है रिकॉग्नाइज इसमें भी 60% चाहिए मिनिमम। ओके, यहाँ भी मतलब सब में 60% एकदम ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो ये रहा कुछ इस प्रकार की वैकेंसी, जिसमें से अब आप लोगों को मतलब कितना देना पड़ेगा फ़ी। तो जैसे हमने एज बताया था, अप्लीकेशन फ़ी में आप देख लीजिए यहाँ पे SC, ST और PWD एंड ओमेन कैंडिडेट आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फ़ी ऑफ अदर। यहाँ पे अदर के लिए 800 रुपये है, यहाँ पे एक्सेम्प्ट मतलब को होता है छूट। तो यहाँ पे SC, ST, PWD और औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए यहाँ पे मतलब छूट है। ओके, तो फ्री है, और अदर कैंडिडेट SC, ST और OBC और जनरल के लिए यहाँ पे 800 रुपये, बाकी सभी लोगों के लिए फ्री है। तो ये कुछ इस प्रकार की वैकेंसी है दोस्त। आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और इसका जो फॉर्म भराएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा, तो जी हाँ दोस्त, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे IFC
यहाँ पे जो क्या बता रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है आपको जरा एक बार हम बता दें यहाँ पे एफ सी आई यहाँ पे FCI का वैकेंसी जो है निकाला गया है। तो इसके FCI की वैकेंसी का जो मतलब आपको पूरा डिटेल्स चाहिए तो आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और आप वहीं से ऑनलाइन इस फॉर्म को भी कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई का चैनल है सपोर्ट कीजिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं और इसका ऑफिशियल इसका हम कोशिश करेंगे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दें। और आप लोग चाहेंगे तो अपने आप को पहले कंसर्न कर लीजिए कि आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं नहीं, या फिर आप लोग के पास ग्रेजुएट डिग्री है या नहीं। अगर है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्त।